और वहां पर आकर के केला देवी मंदिर में भी मैं गया था, हम लोगों ने वहां भी दर्शन किए। और आज चंदौसी यहां की समाज समस्या को लेकर के श्रीमती गुलाब देवी जी लगातार आंदोलन करती थी, आवाज उठाती थी, उसके लिए मेहनत करती थी। आज चंदौसी अपनी एक नई आवाज के साथ विकास के नए पथ को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रही है। इसके लिए मैं चंदौसी विधानसभा सीट और संबल विधानसभा सीट से जुड़े हुए आप सभी नागरिक बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, फर्क साफ है और ये फर्क आपको साफ नजर आता होगा। आज प्रातः काल से मैं मतदान का ट्रेंड देख रहा हूं। पहले चरण के 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है और भारी संख्या में माताएं बहनें चुनाव मतदान के लिए निकल रही हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा दी है, इसलिए माताएं बहनें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मतदान के लिए निकल रही हैं। व्यापारी और नौजवान इसलिए उत्साहित है कि उत्तर प्रदेश में अब उनके सामने पहचान का कोई संकट नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, अपराध बंद है, अराजकता बंद है और इसलिए भी उत्साहित होकर के वोट डाल रहे हैं। लेकिन जो लोग दंगाई थे, जो लोग अपराध करते थे, छिनैती करते थे, डकैती डालते थे, उनके घरों में सन्नाटा है, क्योंकि उनको लगता है कि अब 10 मार्च के लिए उल्टी गिनती उनकी प्रारंभ हो रही है, इसलिए अभी से सन्नाटा भी छा रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। पिछली सरकार के समय दंगे होते थे और कर्फ्यू लगता था, सभी लोग परेशान होते थे। पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? कोई दंगा कर पाएगा? क्योंकि दंगा करने वाले को ये मालूम है कि दंगा करेंगे तो आने वाली कई